सोलन में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 32वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए करीब 100 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में समाज सेवी विनोद गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और खेल भावना से खेलने के प्रति प्रेरित किया। हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन संघ के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि 32वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 60 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी और इस प्रतियोगिता को सही ढंग से करवाने के लिए 30 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सब जूनियर कैटेगरी में 13 तक के बच्चे खेल का प्रदर्शन करेंगे। जो खिलाड़ी यहां विजयी रहेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से 9 जिलों के 60 खिलाड़ी जो कि विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से चयनित होकर के यहां इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं। प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। जो भी लड़के और लड़कियाँ अंडर 13 के इसमें विजेता और उपविजेता रहेंगे उन्हें हमारी हिमाचल प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और वो 21 से 25 नवंबर 2018 आंध्र प्रदेश के कडप्पा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल की तरफ से वो टीम हिस्सा लेगी। सराहनीय प्रयास है जिला बैडमिंटन संघ सोलन का जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया है और ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रदेश की तरफ से हमारे बहुत से पदाधिकारी जो हैं इस प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए यहां पर आए हुए हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश का जो नाम जो है वो राष्ट्र स्तर पर रोशन करेंगे।